फाइनली 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की किंग टाटा नेक्सॉन का एक बार फिर ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया, जहां पर इसको 5 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। इससे पहले जब साल 2018 में क्रैश टेस्ट किया गया था तो अडल सेफ्टी में तो 5 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग्स मिली थी, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी में 3 star की ही सेफ्टी रेटिंग्स मिली थी, जो कि अब यहां पर 5 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है, जहां पर अडल्ट सेफ्टी में 34 में से 32.22 पॉइंट्स मिले हैं, जिसके हिसाब से 5 star की सेफ्टी रेटिंग्स मिलती हैं अडल्ट सेफ्टी में, और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 44.52 पॉइंट्स मिले, जहां पर इसको 5 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग मिली है। चाइल्ड सेफ्टी को काफी इन्हांस किया गया है। ओवरऑल एसयूवी में काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं। सेल्स के मामले में तो नंबर 1 थी ही ऑलरेडी, अब सेफ्टी की वजह से भी ये नंबर 1 आ गई है, क्योंकि 4 मीटर एसयूवी में सबसे सेफेस्ट एसयूवी ये बन गई है। रिसेंटली जीएन कैप में टाटा सफारी और हैरियर का क्रैश टेस्ट किया गया था, जहां पर अडल्ट सेफ्टी में 5 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग्स और चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 out of 5 star की रेटिंग्स मिली थी। हालांकि सफारी के चाइल्ड सेफ्टी और अडल्ट सेफ्टी के पॉइंट्स एज कम्पेयर टू नेक्सॉन ज़्यादा हैं, लेकिन यहां पर नेक्सॉन अपने सेगमेंट की किंग बन गई है। इसके अलावा अगर आप इम्पैक्ट की बात करोगे तो ज्यादातर आपको गुड ही देखने को मिलेगा, एडिकेट कम है। अगर साइड पोल इम्पैक्ट देखा जाए तो आपको चेस्ट की साइड में मार्जिनल सा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बॉडी शेल इंटीग्रिटी जो है वो स्टेबल है। अगर आप टाटा नेक्सॉन लेने का प्लान कर ही रहे हो तो यहाँ पर आपको काफी सारी चॉइसेस मिलती है। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में भी अवेलेबल है, 1.5 लीटर के डीजल इंजन में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है। यहाँ पर आपको मीडियम रेंज वेरिएंट और लॉन्ग रेंज वेरिएंट मिल जाता है। मीडियम रेंज वेरिएंट की जो रेंज है वो 325 किलोमीटर है, एक बार फुल चार्ज करने के बाद इतना किलोमीटर जा सकती है। वहीं इसका जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है जो कि 465 किलोमीटर जा सकता है एक बार फुल चार्ज करने के बाद। मीडियम रेंज वेरिएंट में 30 किलोवाट आर का बैटरी पैक मिलता है और लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 40.5 किलोवाट आर का बैटरी पैक मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन की जो प्राइस है वो शुरू होती है 8,15,000 रुपए से और 15,60,000 रुपए तक जाती है एक्स शोरूम प्राइस। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वर्जन की प्राइस 14,49,000 रुपए से शुरू होती है और 19,29,000 रुपए तक जाती है। रिसेंटली प्राइस कट देखने को मिले हैं इसमें। इसके अलावा ओवरऑल जो डिजाइन है, लुक्स है, इंटीरियर है, फीचर्स हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको काफी बैलेंस फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं जो इसके मिड और टॉप वेरिएंट्स है उसमें आपको काफी मॉडर्न डे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन्हेंस करते हैं। कंफर्ट के भी मैक्सिमम फीचर्स ऐड किए गए हैं और सेफ्टी का ध्यान तो टाटा पहले दिन से ही रखता है, तो यहां पर आपको सेफ्टी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा टाटा को बस अपनी आफ्टर सेल सर्विस पर थोड़ा ध्यान देना है, जहां से काफी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, इनके ही सोशल मीडिया ग्रुप्स पर देखने को मिल जाती हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सारे प्रोडक्ट हैचबैक से लेकर के प्रीमियम एसयूवीज तक सारे के सारे डिजाइन वाइज, फीचर वाइज, सेफ्टी वाइज एक नंबर पोजीशन है। बहुत शानदार प्रोडक्ट इनने बना रखे हैं। साथ ही साथ अगर आपका बजट 6-7 लाख रुपए है तो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है, और 30-35 लाख रुपए का बजट है तो भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।